पुतिन ने कहा यूक्रेन से नहीं होगी युद्ध विराम पर बात। यूक्रेन ने परमाणु आतंकवाद शुरू किया, यह पुतिन का कहना है। एटमी आतंकवादियों से बातचीत नहीं होगी, परमाणु प्लांट को टारगेट करने की निंदा की है पुतिन। तो बातचीत को लेकर देखिए, यह पुतिन का स्टैंड साफ आया है कि वो ऐसे हालात में कोई बातचीत अब नहीं करेंगे, कोई बातचीत यूक्रेन के साथ नहीं होगी। एटमी आतंकवादी वो वर्ड यूज कर रहे हैं कि एटमी आतंकवादी हैं और उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। यूक्रेन ने परमाणु आतंकवाद शुरू किया है क्योंकि कुर्स्क के पास जो परमाणु संयंत्र है उस पर कब्जे की रणनीति यूक्रेन की, उस पर खतरा मंडरा रहा है। और इस सब को देखते हुए पुतिन ने इस टर्म का इस्तेमाल किया और सीधे तौर पर कहा कि ऐसे परमाणु आतंकवादियों से बातचीत नहीं की जा सकती। तो देखिए, कुर्स को लेकर पुतिन जो संकल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद क्या समझा जाए? शांति के विकल्प बंद हो गए क्या? नागरिकों पर हमला करने वालों से कोई बात नहीं होगी, ये कह रहे हैं पुतिन। परमाणु आतंकवाद शुरू करने वालों से वार्ता नहीं की जा सकती। पश्चिमी आकाओं के भरोसे कीव की हिमाकत बढ़ी है। डोनबास से ध्यान हटाने के लिए कुर्स को निशाने पर लिया गया है, ये कहा है पुतिन ने। दुश्मन को खदेड़ेंगे और उन्हें उचित जवाब दिया जाएगा, ये क्लियर कर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। ये अपने आप में बहुत अहम, आगे क्या होगा? यूक्रेन पर रूस के विनाशक हमले होंगे, कीव समेत कई इलाकों को टारगेट किया जाएगा, अटैक होंगे। कुर्स के जवाब में यूक्रेन के कई इलाकों पर अब कब्जा संभव है। हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, क्या यह माना जाए व्लादिमीर पुतिन के ये सख्त तेवर क्या बता रहे हैं? कुर्स पर यूक्रेन ने जो कब्जा किया है वो कहीं यूक्रेन को भारी तो नहीं पड़ने वाला है, और क्या वाकई शांति वार्ता के सारे रास्ते अब बंद माने जाए? देखिए समीर, इसके दो तीन पहलू हैं। पहला तो ये है कि कुर्स पे कितने जमीन पर कब्जा किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन बता रहा है और पश्चिमी मीडिया बता रहा है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया है, लेकिन यूक्रेन की सैनिक क्षमता और रूस की सैनिक क्षमता देखते हुए ये बात अविश्वसनीय है कि 3-4 दिन के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। किया है लेकिन इतने पर नहीं किया होगा, तो एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि पुतिन अभी ठीक वही बहाने बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं जो जेलेंस्की बताते थे। जब शुरू में हमला हुआ तो जेलेंस्की कहते थे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग नागरिकों पे हमला कर रहे हैं, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पे हमला कर रहे हैं। वही चीज़ अब पुतिन कह रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि अभी निकट भविष्य में शांति की कोई संभावना नहीं है, न शांति को तलाशने की कोई संभावना है, क्योंकि अमेरिका फर्मली बड़े मजबूती से खड़ा हुआ है नाटो को साथ ले करके, और अमेरिका ने $65 मिलियन की इस साल उनको यूक्रेन को सैन्य सहायता का ऐलान किया था। उसके बाद से ही यूक्रेन की अब ये हिम्मत बढ़ी है। तो और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, यूक्रेन के पास हो सकता है हथियार हो, आ गए हों, लेकिन सैनिक उतने नहीं हैं जितने कि रूस के पास हैं, और इसलिए अभी रूस अभी भी अच्छी पोजीशन में है। बिल्कुल, लेकिन सर रूस ने ये दावा भी किया है कि जो भाड़े के सैनिक हैं, जो लड़ाके हैं, उनको इस इलाके में भेजा गया है, और उसके प्रमाण भी देने की कोशिश लगातार रूस की तरफ से की जा रही है।